जैसे कि सबको आप सबको पता है कि फेस्टिवल सीज़न जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं और मीन्स आने वाले हैं कुछ ही टाइम के बाद। नवरात्रे हैं, दुर्गा पूजा है, प्लस फिर उसके बाद हमारा ये करवा चौथ है, दिवाली है, भैया दूज, बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल है जो कि इस टाइम ये फेस्टिव सीज़न है। तो ऑब्वियस है जब फेस्टिवल्स आते हैं तो साथ के साथ शॉपिंग्स भी होती हैं। तो जब शॉप तो मैंने ही कुछ शॉपिंग की है अभी फ़िलहाल, ये बहुत ही कम शॉपिंग है, अभी बस स्टार्ट की है। तो सोचा कि एक साथ अगर मैं आपको इकट्ठा करके सारा एक साथ में व्लॉग में दिखाऊंगी या मतलब एक साथ वीडियो बनाऊंगी तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी वो। तो मैंने सोचा कि धीरे धीरे करके करते करते जो मैं लेती जा रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ, और फिर आपके लिए भी बेस्ट रहेगा कि आपको भी देखने में अच्छा लगेगा। तो मैंने जो है अभी फ़िलहाल मैक से जो है शॉपिंग की है, बहुत ज़्यादा नहीं की है, 2 या 3 मतलब मैंने ख़रीदा है। तो बस वही मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। और ये जो है इसमें मैंने खुद ख़रीदा है और एक मेरी मदर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट किया है। जो मुझे मेरी मदर इन लॉ ने गिफ्ट किया है वो मैं ऑब्वियसली करवा चौथ वाले दिन जो है वेयर करूँगी। तो आपको मैं दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ क्विकली। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब की। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हॉल जो है स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं दिखाती हूँ कि मैंने खुद क्या परचेस किया है। फर्स्ट मैंने जो लिया है वो ये लिया है कुर्ती, ये इस टाइप से है और इसकी जो ये बाजू है मतलब बहुत ही अच्छी है और इसमें सिर्फ यही एक एक्स्ट्रा कलर है, अदरवाइज ये प्लेन पूरी इस टाइप से है। तो ये प्लेन इस टाइप से है और यहाँ पे जो है ये यहाँ पे आगे जो है ये बटन लगे हुए हैं और ये एज आप कुर्ती भी वेयर कर सकते हो, एज आप इसे ड्रेस भी जो है आप वेयर कर सकते हो, ड्रेस में भी आप इसे पहन सकते हो। तो मैंने ये लिया है मैक से और ये पड़ा था मुझे 1300 का। ये कलर बहुत प्यारा है तो और फेस्टिव सीज़न के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा कलर है और इसका कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये प्योर कॉटन है, ट्रस्ट में ये बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है। और जब भी मैं शॉपिंग करती हूँ तो मेरे माइंड में 2-3 चीज़ें जो रहती हैं, एक फैब्रिक की फैब्रिक अच्छा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए, तो उस टाइप से मेरे माइंड में रहता है। प्लस एक कलर, मैं कलर हमेशा डार्क कलर लेना पसंद करती हूँ, लाइट कलर लेना मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती, मतलब बहुत रेयर ही मैं लाइट कलर लेती हूँ। तो इसीलिए मैंने जो है ये लिया है और ये बहुत अच्छा है। अब मैं इसे एज अ कुर्ती भी वेयर कर सकती हूँ और नहीं तो मैं इसे एज अ ड्रेस भी वेयर कर सकती हूँ। ये बहुत ही प्यारा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये मुझे पड़ा था 1300 का और ये मैंने मैक से लिया है। तो मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ कि मेरे को और नेक्स्ट जो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट किया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये भी मैंने मैक से लिया है, ये कुछ इस टाइप से है, ये कलर है और इसके नेक पे एम्ब्रॉयडरी है और पूरा इस पर इस टाइप से ये राउंड राउंड में मतलब आप बोल सकते हैं इस टाइप से ये प्रिंटेड है गोल्ड कलर का और इसकी ये स्लीव है और ये कलर कॉम्बिनेशन है और नीचे भी जो है इसी कलर का बॉर्डर है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कुछ इस टाइप का है और इसका बॉर्डर मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। ये प्लेन गाउन है पूरा और जो इसका बॉर्डर है वो कुछ इस टाइप से है और इसमें भी जो है ये प्रिंट वर्क है गोल्डन कलर का और एज अ फेस्टिवल सीज़न के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है, एज अ मतलब करवा चौथ पे पहनने के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो मैं इसे जो है एज अ गाउन जो है मतलब ऑब्वियसली ये गाउन है बट मैं इसके साथ जो है एक सिल्क का दुपट्टा लेने वाली हूँ करवा चौथ के लिए, तो मैं उसके साथ जो है इसे वेयर करूँगी और वो अभी मुझे मिला नहीं है, तो जैसे ही मुझे मिल जाएगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी उसे। और ये आप मुझे देखेंगे पहने हुए करवा चौथ वाले दिन, तो हो सकता है मैं इसे पूजा के टाइम पे पहनूँ या मैं इसे जो है फुल डे में पहनूँ, वो तभी आपको पता चलेगा। तो
ये कुछ इस टाइप का, और ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है इसका, इस टाइप से है ये। और अगर मुझे ये मैक्स की वेबसाइट पे अगर दिखे दोनों सूट तो मैं उसके लिंक आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। तो ये कुछ इस टाइप का है, और इसकी कॉस्ट मैं आपको बता देती हूँ, ये मुझे पड़ा है 1500 का है ये, और ये बहुत प्यारा कुर्ता मुझे लगा, तो ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट किया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ थर्ड चीज़ मैंने ली है फुटवेयर, कुछ इस टाइप से है ये, कलर इसका इस तरीके से है, और इसकी हील जो है वो इतनी ही है। और ये मैंने अपने यहीं की मार्केट से लिया है, और ये मुझे पड़ा था 500 की। कलर इसका भी अच्छा है काफ़ी, ये आप इसे कैजुअल भी मतलब वेयर कर सकते हैं, एज आ मतलब ड्रेसेस वगैरह पे भी, आप जीन्स पे भी बहुत अच्छा ये मतलब कलर ऐसा है कि आप इसे कभी भी वेयर कर सकते हैं। तो मैंने ये लिया है, इसमें और भी बहुत सारे कलर थे, एक कलर था ब्लैक था, लाइट जो उस तरीके का होता है मजेंटा कलर जो होता है उस तरीके का था, तो बट मुझे ये कलर ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने इस जो है ये ले लिया। अब मैं दिखाती हूँ ज्वेलरी पार्ट, कि मैंने ज्वेलरी में कुछ ज़्यादा नहीं ख़रीदा है, दो चीज़ मैंने ख़रीदी अभी फ़िलहाल, तो इसीलिए मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इसको भी। ज्वेलरी में मैंने ख़रीदे हैं ये दो कड़े, ये हैं गोल्डन कलर के, तो देखते हैं इसे किस पे वेयर करना है, बट ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे, और ये मुझे पड़े हैं 150 के, तो मैंने इसे इसलिए ले लिया था ये, और ये गोल्डन कलर में है। ये जो जरकन होता है नग टाइप से जो होते हैं ये, वो कलर मतलब वो है, और ये बहुत अच्छे से मतलब स्टड जो है बहुत अच्छे से, ये ऐसा नहीं है कि निकलने वाला नहीं है जल्दी, ऐसा नहीं है कि साड़ी में अटक के या किसी भी ऐसी चीज़ में अटक के ही निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट है, हार्ड भी नहीं है। तो ये मुझे पड़ा है 150 का। और नेक्स्ट मैंने लिया है ईयरिंग सेट, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मुझे जो है मैंने ये अपने उस वाली ड्रेस के साथ पहनने के लिए लिए हैं, ये है इस टाइप से, और इसके साथ जो है मुझे मिला है मांग टीका, तो देखते हैं मांग टीका अगर मैं वेयर करूँगी या नहीं, वैसे मैं बहुत रेयर जो है वेयर करती हूँ मांग टीका, तो इसके साथ है ये मांग टीका, और मैं जो ये लाई हूँ इस ड्रेस के साथ मैं इसको लेकर आई हूँ, मैचिंग मैचिंग मतलब लग रहा है, तो अभी मैं इसके साथ इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से लाई हूँ इसको, और ये वही मैं आपको करवा चौथ में पहन के दिखाऊंगी कि कैसे लगेंगे ये। और ये मुझे पड़ा है 350 का पूरा सेट, तो बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा इनमें से सारी चीज़ें, कौन सी आपको ज़्यादा पसंद आई हैं। और अभी मैं आगे और भी बहुत अच्छी अच्छी शॉपिंग करने वाली हूँ, अपनी सिस्टर के साथ मार्केट जाने वाली हूँ, तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और नेक्स्ट और लास्ट जो मैं लेकर आई हूँ, एक बायोटिक की एंटी टैन फेशियल किट, ये मिनी फेशियल किट है, और देख सकते हैं ये है बायोटिक की, टैनिंग वगैरह रिमूव करने के लिए है, और ये इसकी कॉस्ट जो है वो है 250 रुपी, बट आफ्टर डिस्काउंट ये 200 की मतलब मुझे पड़ी है, इस टाइप की है। और इसके जो स्टेप्स हैं मैं आपको बता देती हूँ, ये 5 स्टेप्स हैं, और इसका मैं बहुत जल्दी ही जो है डेमो देने वाली हूँ, और रिव्यू भी कि कैसा ये मतलब इस है कि आपके लिए ये मतलब कितना अच्छा है, वर्क कर रहा है या नहीं, तो मैं आपके साथ इसको ज़रूर शेयर करूँगी। तो आई होप सो कि आपको ये मेरा छोटा सा मिनी हॉल आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और मुझे बताइए कि आपको इनमें से सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या लगी है, अपने सजेशन मुझे दीजिए, और भी प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए जिससे मुझे पता चल सके कि आप मेरी वीडियोज़ देखते हैं, और लाइक ज़रूर कीजिए जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिल सके। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और भी अच्छे अच्छे शॉपिंग हॉल आपके साथ शेयर करूँगी, तो तब तक के लिए बाय बाय।